दो तस्वीरें दिखा देते हैं, लोकसभा की कार्यवाही की और राज्यसभा की कार्यवाही की। चले अच्छी चर्चा संवाद हो। माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने अब तक 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक एवं कांस्य पदक जीते हैं। The house is adjourned to meet at 4 o'clock. जीता है, जबकि तो आपको बता दें इस बीच राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है और विरोध प्रदर्शन संसद भवन परिसर के बाहर भी हम देख रहे हैं, वहां परिसर में भी जो बीजेपी के नेता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें लोकसभा की कार्यवाही और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। फिलहाल लोकसभा में इस वक्त कार्यवाही चल रही है, राज्यसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। राज्यसभा में जिस चर्चा की मांग तो उठाया जा रहा था वो चर्चा दरअसल शुरू ही नहीं हो पाई, क्योंकि राज्यसभा अब 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संजय राउत का मामला जिसे लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने नोटिस भेजा था चेयरमैन को, राज्यसभा के चेयरमैन को ये नोटिस भेजा गया था कि आज कार्रवाई शुरू होते ही संजय राउत का मुद्दा चर्चा का विषय बने, लेकिन इस बीच राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा जहां पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन हंगामा जैसा आसार थे वैसे ही आसार देखते हुए नजर आ रहे हैं और ये जानकारी मिल रही है कि फिलहाल लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इससे पहले जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चली तो राज्यसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, वहीं लोकसभा को भी जैसे इसकी कार्यवाही चली हंगामा हुआ और लोकसभा की कार्यवाही को भी स्थगित किया गया। नेहा बिल्कुल, और लोकसभा में सबसे पहले उन पदक विजेताओं को बधाई दी गई जिन्होंने पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनको बधाई देने के बाद हंगामा वहां पर एक बार फिर से देखा गया और कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। राज्यसभा भी चर्चा नहीं हो पाई, महज 1 से 2 मिनट के बीच ही राज्यसभा की कार्रवाई को भी चेयरमैन को स्थगित करना पड़ा। इधर लोकसभा को भी स्थगित कर दिया गया है स्पीकर द्वारा 12 बजे तक के लिए।